नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास वन प्लस नॉर्ड 3 का बॉक्स। दोस्तों काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैंने फाइनली आखिर में आके ये ऑर्डर कर ही दिया। दोस्तों मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, अमेजन से नहीं किया, क्योंकि अमेजन से ज़्यादा सस्ता मुझे फ़्लिपकार्ट पर देखने को मिला, जबकि प्राइस दोस्तों अमेजन पर थोड़ी कम है, बट जो ऑफ़र वगैरह मिलते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के वो फ़्लिपकार्ट पर मुझे ज़्यादा मिल रहे थे, तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। अब दोस्तों चलो बॉक्स तो ओपन पहले से ही है, क्योंकि जो आपको पता ही है कि फ़्लिपकार्ट से मिलती है हमें ओपन बॉक्स डिलीवरी, तो वो चेक करके ही देते हैं, तो इसलिए उन्होंने चेक किया, ओपन कर दिया था। तो चलिए मैं आपके सामने फिर से, मैंने पैक किया, मैंने यूज नहीं किया, बस थोड़ा सेटअप किया था, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों इस फ़ोन की एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको देख के आपको भी थोड़ा शौक लगेगा, तो वो आप वीडियो को पूरा देखें अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो। और दोस्तों फ़ोन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, ये सब आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि इस फ़ोन के बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन वगैरह हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। तो देखिए बॉक्स कुछ इस तरीके का आता है, चाहे आप वन प्लस नोट 2 ले लो, 3 ले लो, या नोट C3, कोई सा भी नोट के फ़ोन ले लो, उसमें इस तरीके की बॉक्स मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो रेट दी गई है, इसकी MRP वही है जो पहले आती थी, जब दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस 30,000 से ऊपर थी तभी इसकी MRP यही थी। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है दोस्तों दिसंबर 2023। दोस्तों इस चीज़ से एक बात तो साफ पता लगती है कि वन प्लस वालों ने इस फ़ोन को अब मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया है। जो जितने भी दोस्तों ये फ़ोन या बॉक्स आपको दिख रहे हैं जो आ रहे हैं, ये दोस्तों पहले का ही स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि इसकी MRP भी दोस्तों सेम वही है और मैन्युफैक्चरिंग भी दोस्तों 2023 की है। तो मैंने दोस्तों इसका मंगाया है ग्रे कलर, क्योंकि जो ब्लू कलर और ग्रीन आता है वो इतना ख़ास नहीं लगता और थोड़ा स्लिपरी भी है, और ये दोस्तों जो है जी मैट फिनिश में आता है। तो इसका मेरे पास है 8GB 128GB, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप कोई भी वेरियंट लेते हो तो फिर वो आपको कोई 30 से ऊपर का पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन करते हैं। ये देखिए इस तरीके का बॉक्स आता है, तो करता हूँ बॉक्स ओपन और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए जी एक बॉक्स मिलता है सबसे पहले हमें, तो इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है दोस्तों एक कवर जो है दोस्तों ब्लैक कलर का, जो दोस्तों TPU केस है। ये देखिए बस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको बॉक्स के अंदर कवर मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको अपने फ़ोन के लिए मार्केट फटाफट से नहीं आना पड़ेगा, आप कुछ टाइम यूज कर सकते हो, उसके बाद ही आप एक्सरी लेने बाद में जा सकते हो। तो दोस्तों इसमें और मिलता है हमें एक रेड केबल क्लब कार्ड, ये कुछ किताब वगैरह होती हैं सेटअप करने के लिए। और दोस्तों ये स्टीकर मिलता है हमें, ये क्यों मिलता है वन प्लस से तो हम मुझे भी नहीं पता, जैसे दोस्तों एप्पल वाले देते हैं सेम वही कॉपी कर दी है। और दोस्तों कुछ भी नहीं है, और ये है दोस्तों एक स्माइली वाली सिम इजेक्ट टूल। तो दोस्तों ये हमें सब चीज़ बॉक्स के अंदर मिलती है, सब चीज़ से मतलब है वो आप वीडियो में देखोगे। तो जी मैंने कर दिया इसमें पैक, चलिए कवर निकालते हैं, क्योंकि कवर को लगा के दिखाऊंगा मैं आपको कि कवर से लगने के बाद फोन कैसा लगता है। तो कवर करता हूँ मैं। अब दोस्तों आते हैं और कंटेंट की तरफ कि हमें क्या क्या मिलता है। तो ये फ़ोन है, इसको ही मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों इसमें हमें बॉक्स में मिलता है, ये देखिए 80 वॉट का एक फास्ट चार्जर, ये देखिए 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और जी है दोस्तों Type-A to Type-C डाटा केबल, देखिए Type-A और Type-C। तो दोस्तों यही इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे बोल रहा था अभी कि हमें सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों देखिए कवर हो गया, डाटा केबल चार्जर बॉक्स के अंदर हो गया। और रही दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्टर की बात, तो वो दोस्तों देखिए ऑलरेडी इस पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई किए हुए आया है, तो आपको फ़ोन के लिए कहीं नहीं भागना कि आपको मार्केट जाना है, टेम्पर लगवाना है, कवर लेना है, तब आप फ़ोन को यूज कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपका कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ देखने में मिलता है।
हाँ ये टेम्पर ग्लास नहीं है लेकिन आपका काम चल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड जो हो रही है, ये हो रही है सैमसंग के गलेक्सी S24 से। आप देख सकते हो फ़ोन के स्क्रीन में सैमसंग गलेक्सी S24 मेरे पास क्रीम कलर का, जो जिसको येलो बोलते हैं, बट वो दोस्तों पूरा येलो नहीं होता। तो क्वालिटी कैसी है आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस फ़ोन की डिज़ाइन की। आप डिज़ाइन देख सकते हो, इसकी डिज़ाइन जो दोस्तों बैक है, ये ग्लास है, इसमें टेक्सचर दिया गया है थोड़ा, लेकिन ये दोस्तों काफ़ी स्लिपरी है। बट इसमें एक चीज़ अच्छी है, आपके फिंगरप्रिंट इस पर नहीं आएंगे। और दोस्तों वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट जो जितने भी दोस्तों वेरियंट मॉडल हैं, इस तीनों ही दोस्तों देखने में एक जैसे लगते हैं अगर आप दूर से देखते हो तो। बट फ़र्क है तो दोस्तों फ़ोन की दोस्तों पावर का है और बिल्ड क्वालिटी का है, बाकी दोस्तों डिज़ाइन है वो सेम है। बट तो एक फ़र्क आता है कि इसमें दो फ्लैश दी गई हैं, डिज़ाइन दो फ्लैश की दी गई है और उन दोनों में एक एक आती है। बट दोस्तों ये दोनों फ्लैश नहीं है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों डिस्प्ले की जो दी गई है वो इसमें मिलती है हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी जो दोस्तों साइज है वो है 6.7 इंच का। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो काफ़ी अच्छी दोस्तों डिस्प्ले दी गई है इस फ़ोन के अंदर। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो इसके बेजल वगैरह जो भी हैं। मैं सेटअप कर दिया दोस्तों ये फ़ोन, इसलिए आपको फ़ोन करते ही सारा कुछ दिख रहा है। तो इसके बेजल दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर हैं, देखिए आप देख सकते हो उससे साइड से ऊपर से नीचे से बिल्कुल ना के बराबर बेजल हैं। क्योंकि ये जो फ़ोन आया था तब इसकी प्राइस दोस्तों 30,000 से ऊपर थी, और 30,000 से ऊपर जो फ़ोन आते हैं दोस्तों वो फ्लैगशिप लेवल की कैटेगरी में आते हैं। बट इसकी प्राइस दोस्तों काफ़ी सस्ती कर दी गई है, तो फ़ोन तो वही रहेगा जो आया था। तो इस वजह से दोस्तों इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। तो ये जो फ़ोन है इसमें 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसकी प्रोटेक्शन की बात की जाए डिस्प्ले की, तो इसमें मिलता है दोस्तों हमें, इसके बैग में मिलता है हमें कोरिन गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। और इसके स्क्रीन में दोस्तों डिस्प्ले में मिलता है हमें आर्मल शीट जो होता है, कुछ और कोई दोस्तों कोई प्रोटेक्शन मिलती है, बट दोस्तों नाम क्या है वो याद नहीं है। बट अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, बट कोई सी भी प्रोटेक्शन हो दोस्तों जब फ़ोन गिरता है टूटने के चांसेस पूरे होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जो कवर मैं आपको दिखा रहा था वो कवर पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा लगता है इस पर। इसमें डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, जिसमें आपको बेजल वगैरह बिल्कुल ना के बराबर देखेंगे। और दोस्तों इसमें हमें इस साइड में मिलते हैं स्पीकर के बटन, इस साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, और यहाँ मिलता है दोस्तों हमें जिस दोस्तों बटन दिया गया है ना अलर्ट स्लाइडर। तो दोस्तों इसी की वजह से मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया, नहीं तो और भी ऑप्शन थे इस फोन और फोन इस प्राइस में फ़ोन लेने के। बट इस फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें और जो और फ़ोन होते हैं उनमें देखने को नहीं मिलती, जैसे कि हमें अलर्ट स्लाइडर वगैरह है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और डिज़ाइन। तो दोस्तों इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें बैटरी मिलती है हमें 5000 mAh की, जिसके साथ आपको 80 वाट की सुपर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बॉक्स में चार्जर भी मिल जाता है। तो बैटरी के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया गया है कि इसकी बैटरी काफ़ी बेकार है, ऐसा है वैसा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपने सैमसंग गलेक्सी S21 FE जो फ़ोन आया है, चाहे आप एक्जिनोस का ले लो और चाहे दोस्तों आप ले लो स्नैपड्रैगन का, उसकी बैटरी जो चलती है आपने देखा होगा कि उसकी बैटरी बहुत ही बेकार है S21 FE की, और इतनी चलती है कि आपको शाम को चार्ज में लगाना ही पड़ेगा, चाहे आपका यूजेज कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो। और उससे भी ख़राब चीज़ है दोस्तों उसकी चार्जिंग स्पीड, जो बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों अगर आप उस फ़ोन से इस फ़ोन को कंपेयर करते हो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, तो इसकी बैटरी उससे काफ़ी अच्छी है S21 FE से, क्योंकि उसकी बैटरी जो है दोस्तों काफ़ी जल्दी ड्रेन होती थी। और तो उसके आगे अगर इसको कंपेयर करते हो तो इसकी बैटरी काफ़ी बढ़िया है। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है, क्योंकि वो जो फ़ोन था अगर आप उसको चार्ज करते हो तो 1 से 1.5 घंटे लगता था, जबकि ये फ़ोन दोस्तों आपको आधे घंटे से पहले ही 0 से 100% फुल चार्ज हो जाता है और बॉक्स में ही आपको चार्जर मिल जाता है। तो बैटरी के मामले में दोस्तों मुझे कोई भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो इसमें 51% बैटरी है। और सुबह के दोस्तों 7 बजने वाले हैं, जब मैंने इसको रात को चार्ज पे लगाया था, चार्ज किया था अपने दूसरे चार्जर से, क्योंकि इसको इस चार्जर को तो मैंने अभी खोला भी नहीं है,
तो मैंने इसकी बैटरी की थी 56% तक, और मैंने इस फ़ोन को ऐसे ही वाईफाई पे कनेक्ट करके छोड़ दिया रात को। और मैंने सुबह देखा है दोस्तों, रात को मैंने 8:30 बजे समथिंग इसको 56% किया था, और अभी देख रहा हूँ तो अभी 51% है दोस्तों। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के अब तक इसकी सिर्फ 5% बैटरी ड्रेन हुई है, जो कि जबकि दोस्तों ये फ़ोन पूरी रात वाईफाई से कनेक्ट रहा है। और मुझे दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर इसकी बैटरी S21 AP जितनी चलती हुई है तो भी दोस्तों इसकी जो चार्जिंग स्पीड है काफ़ी फास्ट है। अगर मैं थोड़ा टहलने भी जाता हूँ 5-7 मिनट के लिए तो भी इसमें इतनी बैटरी हो जाती है चाय पे लगाने के बाद कि आपका 1.5-2 घंटे का काम निकल जाता है अगर आप 5-7 मिनट के लिए भी लगाते हो तो बैटरी के मामले में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब दोस्तों इसके कैमरे की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमें 3 कैमरे मिलते हैं बैक में, ये देख सकते हो कैमरे 2 हैं बट एक कैमरे के अंदर 2 कैमरे दिए गए हैं तो 3 कैमरे हो गए, जिसमें जो मेन कैमरा है वो दोस्तों 50 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर के साथ, और दूसरा कैमरा है दोस्तों इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, और तीसरा जो कैमरा है दोस्तों वो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। तो दोस्तों तीसरा जो कैमरा है वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ नाम का कैमरा है, तो आप 2 ही कैमरे मान के चलो 50+8। और सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों वो मिलता है हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिस तो दोस्तों कैमरे के मामले में फ़ोन इतना हाई लेवल नहीं है बट आपका नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको जो फोटो वगैरह थोड़े बहुत खींचने होते हैं, थोड़ी वीडियो शूट करनी होती है क्योंकि उनका काम प्रोफेशनल नहीं है, तो ऐसे लोगों का दोस्तों काम इस फ़ोन से आसानी से निकल जाता है। और दोस्तों 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई हाई क्वालिटी की वीडियोग्राफी नहीं करनी होती, ना ही कोई फोटोग्राफी अच्छी करनी होती है कि एक एक चीज़ उसमें दिखे, तो उस एंगल से देखते हो तो इसमें जो कैमरा दिया गया है ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, क्योंकि आपको ये नॉर्मल काम होते हैं कैमरे से वो आसानी से इससे हो जाते हैं। तो कैमरे के मामले में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें और भी फीचर की, तो दोस्तों इसमें अलर्ट स्लाइडर दिया गया है, आप फ़ोन को कितना भी कैसे भी यूज करो आप बिना डिस्प्ले को ऑन किए हुए इस फ़ोन को साइलेंट पे, वाइब्रेशन मोड पे और रिंग मोड पे ऊपर से ही कर सकते हो। इस तरीके से ये देखिए आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने ये जैसे ये अभी रिंग पे है, आपने बीच में किया इसको ऊपर तो ये वाइब्रेशन पे हो गया, और आपने और ऊपर कर दिया तो ये रिंग साइलेंट पे चला गया। तो ये एक जो दोस्तों सिस्टम दिया गया है, ये आपको जो वन प्लस के डिवाइस होते हैं ये काफ़ी महंगे फ़ोनों में दिया जाता है क्योंकि इसकी प्राइस तो काफ़ी हाई थी, तो इसी वजह से इसमें दिया गया था, अभी कम कर दी गई है तो इससे हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की, जो कि दोस्तों है डायमंड सिटी की तरफ से। दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है डायमंड सिटी वाला, वो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि काफ़ी लोगों ने इस प्रोसेसर की दोस्तों बुराई की है कि ये ऐसा है कि वैसा है, लेकिन मैं आपको असली बात बताता हूँ कि दोस्तों इसके अंदर जो है मिलता है डायमंड सिटी का प्रोसेसर, वो है दोस्तों डायमंड सिटी मीडियाटेक डायमंड सिटी 9000, यानी दोस्तों मीडियाटेक डायमंड सिटी 9000 प्रोसेसर इसका नाम है, जो कि अगर आप एंटू स्कूल निकालते हो तो 1,000,000 से ऊपर का निकलता है। बट इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको जो नॉर्मल यूज होते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सअप है, छोटे मोटे गेम है, वीडियो देखना यूट्यूब पे, इस मामले में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी फास्ट है। अब जो लोग दोस्तों जो होते हैं जो हैवी गेमिंग करते हैं तो उनके लिए दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं है। अब आप एक बात बताइए, अगर आप हैवी गेमिंग करोगे क्योंकि जो लोग हैवी गेमिंग करते हैं तो वो दोस्तों हर टाइम गेमिंग ज़्यादा करते हैं, उनको फिर किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है तो अच्छी गेमिंग से जिसमें बैटरी लाइफ अच्छी हो। तो जो लोग इस तरीके के यूज़र हैं वो इस फ़ोन को क्यों लेंगे, वो ऐसे फ़ोन को लेंगे जिसमें सिर्फ गेमिंग अच्छी मिले, उनको मतलब ही नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर है क्या है, उनको गेमिंग अच्छी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको नॉर्मल यूज होता है छोटे मोटे गेम खेलना और कैमरा वगैरह यूज करना और सोशल मीडिया यूज करना, तो उस मामले में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। और अगर आप गेमिंग की पर्पज़ से देखते हो तो आप सैमसंग के डिवाइस को देख लो, कितना ही महंगा फ़ोन ले लो सैमसंग का, आप उनमें भी गेमिंग नहीं कर सकते, तो यही चीज़ होती है, सोच सोच का फर्क है दोस्तों। तो ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है उस मामले में 20,000 की प्राइस के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं इस डिस्प्ले में हमें क्या सिस्टम मिलती है, तो दोस्तों इस फ़ोन के डिस्प्ले में हमें मिलता है 128 का एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड वाला, जिसमें आपको काफ़ी फास्ट रेजोल्यूशन मिलता है और फ़ोन की जो स्पीड है काफ़ी अच्छी मिलती है, ये देखिए।
तो ये फ़ोन दोस्तों प्राइस के हिसाब से देखते हो तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है हर एंगल से। अब दोस्तों जो मैं आपसे शुरू में बोल रहा था, इस फ़ोन में मिलता है हमें एक अजीब चीज़ देखने को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है, अब आना है दोस्तों अबाउट फ़ोन में। अब देखिए ये जो फ़ोन है इसमें मिलता है दोस्तों हमें ऑक्सीजन 13.1 और एंड्रॉयड मिलता है दोस्तों हमें इसमें। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें अभी जो हमें ये अपडेट आया हुआ है ऑक्सीजन ओएस 14 और एंड्रॉयड 14 का, जिसका साइज है दोस्तों 2.67 GB। क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में अभी हमें जो मिल रहा है वो चल रहा है हमारा फ़ोन एंड्रॉयड 13 पर। देखिए तो इस चीज़ से आपको एक बात का आइडिया अच्छा लग जाएगा कि ये जो फ़ोन है ये जो मैन्युफैक्चरिंग किए गए थे, ये जब के किए गए हैं जब दोस्तों ये फ़ोन बने हुए थे उसी टाइम के, जब एंड्रॉयड 13 चल रहा था। उसके बाद दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी डिवाइस होता है हमारा, सैमसंग हो, वीवो हो, कोई सा हो, जब दोस्तों लॉन्च होता है तो उसमें अगर जो उस टाइम पर जो सिस्टम चल रहा होता है 13 हो 12 हो तो वो तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और अपडेट मिलते जाते हैं तो दोस्तों नए फ़ोन जो आप लोगे उस टाइम पर, अब जैसे आपने कोई फ़ोन लिया उसमें एंड्रॉयड 13 मिल रहा है और एक साल बाद आप उसी फ़ोन को लेते हो, उस टाइम पर दोस्तों आ चुका है एंड्रॉयड 14, तो आप नया फ़ोन भी लोगे तो उस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 14 ही स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, जैसा कंपनी उसमें ऑलरेडी अपडेट करके देती है। बट इस फ़ोन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो पहले की है और उस टाइम से ये फ़ोन ऐसे के ऐसे पैक किए हुए रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दोबारा दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है, इसमें एंड्रॉयड वगैरह दोस्तों द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसी टाइम के हैं। तो इस चीज़ से दोस्तों आपको आइडिया लग सकता है कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक किए हो चुके थे, इस वजह से दोस्तों इस फ़ोन को इतनी कम प्राइस में निकाला जा रहा है, क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा हुई नहीं थी, क्योंकि जिस प्राइस दोस्तों ये फ़ोन जब आया था उस प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं था। तो ये अपडेट मैं भी करूँगा। और देखिए दोस्तों वीडियो को इतना टाइम हो गया, बनते बनते वीडियो इतनी लंबी हो गई है, अभी भी दोस्तों अभी इसका सिर्फ एक पॉइंट गया है, 50% हुई है 51 से, तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो दोस्तों हर चीज़ में ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है नहीं लेना चाहिए, दोस्तों किसी भी बातों में ना है, 20,000 के हिसाब से और आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको फ़ोन से कोई भी, आपको अपना बिजनेस नहीं करना, कॉलिंग वगैरह करनी है, नॉर्मल यूज करना है औरों की लोगों की तरह, तो आप इस फ़ोन को बिना टेंशन के ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको भर भर के फीचर दिए गए हैं जिस प्राइस पर आया उस हिसाब से। अगर उसी प्राइस पे और भी फ़ोन देखोगे तो आपको काफ़ी लिस्ट मिल जाएगी, बट जो इस फ़ोन में जो सिस्टम मिलते हैं वो चीज़ें उन फ़ोनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको सारा कुछ डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि आप 20,000 के अंदर कौन सा फ़ोन लोगे, तो दोस्तों मैंने ये ऑलरेडी नया मंगाया है, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होते तो मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है कि मैं इस फ़ोन को मंगाता, ना ही दोस्तों वन प्लस ने मुझे कोई प्रमोट किया है कि मुझे कुछ पैसे मिल रहे हो, तो मैंने जब ये मंगाया है तो आप भी दोस्तों मंगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा फ़ोन है 20,000 के प्राइस के हिसाब से देखते हो तो। और अगर आप इसको कैश में लेते हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑलरेडी हैं तो आपको जो 20 से भी कम की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।